5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में बीते 1.5 महीने से प्रशासन लगातार हालत को सामान्य करने का प्रयास कर रहा है। नुकसान को बहुत हद तक रोका गया है। अब जो बातें हो रही हैं गवर्नर से लेकर पुलिस प्रशासन तक, उससे 3 फॉर्मूले निकल कर हमारे सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सेंस इंडिपेंडेंस में। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगी कि हमारे चैनल सेंस इंडिपेंडेंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। अब जैसा कि कश्मीर में बिगड़ते सुधरते हालात चल रहे हैं और अनुच्छेद 370 को लगाए हुए करीबन 1.5 महीना बीत चुका है, और इन सब में हमने 3 फॉर्मूलों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो पहला फॉर्मूला है वो ये है कि बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कश्मीरी युवाओं को नौकरी दी जाएगी। अभी नौकरी किस पर है, लेकिन इनमें जो अधिकतम नौकरियां हैं जो निकल कर आएंगी वो आएंगी आर्म फोर्सेस यानी BSF, CRPF, CISF, SSB और सेना। इसके लिए बकायदा एक मुहिम छेड़ी गई है और छेड़ी जा चुकी है। पहले चरण में 2000 कश्मीरियों को सेना में भर्ती कर लिया गया है और ये प्रोसेस और चलेगा, और सितंबर में करीबन 10,000 से ज़्यादा सेना कर्मियों को सेना में भर्ती किया जाएगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन 3 फॉर्मूलाज के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो 3 फॉर्मूलाज हमने अज्यूम किए हैं, इसमें वास्तविकता पूरी तरीके से नहीं है। हम ये तय करेंगे, निष्कर्ष पर पहुंचेंगे इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद कि ये 3 फॉर्मूलाज लागू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं दूसरे फॉर्मूले की। दूसरे फॉर्मूले में अक्सर ऐसा है कि सर्दियों में कश्मीर में ट्रांसमिशन लाइनें खराब हो जाती हैं और इसके चलते सर्दियों में यहाँ की आवश्यकता के मुताबिक बिजली का उत्पादन नहीं हो पाता है। इसलिए केंद्र सरकार के बिजली मंत्रालय ने 10,000 करोड़ की लागत के कई प्रोजेक्ट एक साथ शुरू करने की घोषणा की है। कहा गया है कि इनको फास्ट ट्रैक आधार पर शुरू किया जाएगा और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में 2400 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी। तो आइए बढ़ते हम अपने तीसरे फॉर्मूला की तरफ। अब तीसरे फॉर्मूले में सामने ये जो हमें लगता है वो ये है कि पुलिस प्रशासन का कहना है कि बीते 45 दिनों में उन्होंने करीबन 24 चरमपंथियों को गिरफ्तार किया है। चरमपंथियों का मतलब होता है एक्सट्रीमिस्ट। DGP ने ये बात जोर देकर कही कि वो ऐसे लोगों की पहचान कर रहे हैं जो लोगों को डराते हैं कि वो बाहर ना निकलें और दुकानदारों या कमर्शियल वाहनों को चलाने वालों को धमकियां देते हैं। उनकी पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर मुकदमे चलाए जाएंगे। आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों के दौरान केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों ने ये बात कही है कि मसला अब कश्मीर का नहीं बल्कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर का है। एक प्रतिज्ञा ठोस तौर पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इस पर टिप्पणी दी है और उन्होंने कहा है कि भारत प्रशासित कश्मीर और भारत प्रशासित लद्दाख में जो तरक्की होगी इन 3 फॉर्मूलाज को लाने के बाद, उससे एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के लोग खुद कहेंगे कि उन्हें भारत के साथ रहना है। अब इन 3 फॉर्मूलाज से काम चल रहा है, इन 3 फॉर्मूलाज पर कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रही है कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, और प्रशासन को इस बात की आशा है कि बहुत जल्दी स्थिति पटरी पर आ जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताएं।